Welcome to the day of question series, and this time the question which I have chosen is very interesting, very tricky. This is the seventh serial of question of the day. Before this I have uploaded six very good quality questions, and one thing I would like to tell you, later or sooner you all have to face competitive examinations, and there is no relation between our home exams and competitive exams. Syllabus wahi hai, lekin home exams, the level of home exams are very low, and teachers, schools, authority wants each and everyone to get pass. But in competition exams, there is no relaxation for you people. Even if you know all the concepts, you are able to solve all the questions, but if you are not able to solve these questions in stipulated time, if you are not able to solve these questions in given time, it is of no use. So you should understand all the things. You should also know how to utilize these concepts by saving your time. And time once saved can be utilized in another problem. अगर आपको आज अभी आपने क्वेश्चन नंबर वन में टाइम बचा लिया है, तो आप यू कैन यूज दैट क्वेश्चन, ये दैट टाइम इन क्वेश्चन नंबर टू. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा. ये क्वेश्चन है, अब आप देखो, हाउ मच टाइम वुड यू टेक, एंड आई इंश्योर यू आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन द टाइम विच यू आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑन दिस क्वेश्चन विल बी 15 to 20 minutes, नॉट मिनट्स, सेकेंड्स. अभी हो सकता है आप 20 मिनट लगा दें अगर आपका मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग नहीं है तो. बट माय डियर स्टूडेंट्स, द नंबर डिजिट गिवन इज 5 डिजिट. इफ दिस नंबर विल बी 10 डिजिट, देन आप 20 मिनट्स भी लगा सकते हैं. और द एक्यूरेसी इज नॉट कि आप उसको सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. तो हम इसको बड़े प्यार से धीरे धीरे समझते हैं. एक मेरे पास एग्जाम्पल है, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ. पहला मैं ये लिखता हूं, मेरे पास लिखा है 1 + 3 × 5 / 4. अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 + 14 × 16 / 15. अच्छा, तीसरा एग्जांपल लिखता हूं. आप बोलोगे सर एग्जांपल लिखते रहोगे, समझाओगे भी, क्योंकि एग्जांपल से ही तो हम समझेंगे. 149 × ऐसे कई एग्जाम्पल बन सकते हैं, मैं 3 एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा, और चौथा एग्जाम्पल लेने के बाद आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अच्छा, जब ये क्वेश्चन हमारी क्लास में आया इसको हर बच्चे ने सॉल्व किया, 1, 15 और ये 4. तरीका ये था, आंसर आ गया 4. ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है. अच्छा, लेकिन आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा बन जाएगा. ये क्लास 6 तक का है. क्या करा इसमें भी आपने, मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है, 1 क्या हो जाएगा, 14 × 6 = 84, 8 कैरी लगा, 14 × 8 = 25 + 22, और ये 15, तो ये क्या हो जाएगा, 225 / 15, आंसर अगेन 15, नो डाउट. जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आया तो इसको जब हमने इंटू किया, अब इसको थोड़ा इंटू करना थोड़ा टेडियस है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इंटू कैसे किया, मैंने इसको इंटू ऐसे कर दिया, 149 मुझे इंटू करना है कितनी बार, 151 times. तो मैं 151 इसको ब्रेक करूंगा. कैसे ब्रेक करूंगा, 100 + 50 + 1, तो कैसे इंटू हुआ मेरा 149 100 times हो गया. इसको मैंने आधा कर दिया, ये क्या हो गया, 50 times हो गया, और उसके बाद 149 1 times हो गया, 100 times 50 times 1 times, इसको मैंने जोड़ दिया, 9 9 4, अच्छा कैरी 12 2. अच्छा, अब यहां तो मैंने ये कर दिया, हो सकता है कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत हो जाए, कई बच्चों को इसमें भी, इस मल्टीप्लीकेशन में भी इतना टाइम लग जाए, तो बेटर मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, देखो 0
0.5225 डिवाइडेड बाय 150, 0 से 0 कटा, कट गया, क्या आया 150, आंसर क्या आ गया इसका 150 आंसर आ गया, टाइम इतना लगा। नाउ 149 और 151 भी थोड़ा इजी था, अगर हमारा 5 डिजिट नंबर आ जाए तो, 10 डिजिट नंबर आ जाए तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इसको देखो, हो सकता है आप मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम ले लें, मैंने फिर भी कम टाइम लिया, हो सकता है कुछ बच्चे होंगे मुझसे भी कम ले रहे होंगे क्योंकि तो मुझे समझाना भी है, लेकिन टाइम तो लग रहा है। लेकिन हमने जो आइडेंटिटी सीखी है, एक आइडेंटिटी हमने सीखी है, कौन सी आइडेंटिटी सीखी है, हमने एक आइडेंटिटी सीखी है कि जब a माइनस बी और a प्लस बी साथ में आ जाएं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हैं। ये आइडेंटिटी हमने सीखी हुई है। अब देखो क्या मैं यहां पे यूज कर सकता हूं आइडेंटिटी का। अच्छा देखें, तभी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं यूज आइडेंटिटी वाइज सॉल्विंग दिस विद आइडेंटिटी सॉल्व दिस, लेकिन हम आइडेंटिटी लगाते नहीं, हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा अब देखो, ये आइडेंटिटी मैंने अगर यहां लगाई तो कैसे लगेगी, ये वन तो वन लिखा हुआ है, मैंने थ्री को क्या लिखा, मैंने थ्री को लिखा फोर माइनस वन, फाइव को लिखा फोर प्लस वन, लिख सकता हूं। अच्छा अब देखो, ये दोनों आपस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन तो यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा फोर स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, एग्री। अच्छा स्पेस कम है तो मैं ब्रैकेट बेटा यहीं पे हटा देता हूं क्योंकि प्लस है, साइन पे कुछ फर्क पड़ना नहीं, ठीक, मैं ब्रैकेट यहीं पे हटा देता हूं, मैंने ब्रैकेट अच्छा कर देता हूं, ये मैंने ब्रैकेट हटाए तो मेरे पास ये कंडीशन बनी, और तो प्लस वन माइनस वन कट गया, क्या बचा मेरे पास फोर स्क्वायर बाई फोर दैट इज फोर, आंसर फोर आया, आंसर फोर आया, फोर स्क्वायर बाई फोर आंसर यहां लिख रहा हूं, फोर आया। इसमें लगा के देखते हैं, अच्छा ये था, हमने लिखा इसको 15 माइनस वन, 15 प्लस वन डिवाइडेड बाय 15। अब देखो थोड़ी स्पीड आ रही है, थोड़ी स्पीड आ रही है, मुझे पता है ये वन हो जाएगा, ये 15 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लगाना चाहो लगा दो, लगा देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे घबरा जाएंगे अदरवाइज। पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से वन से वन तो 15 स्क्वायर, आंसर 15। देखो आपने खुद देखा, अच्छा ठीक है। अब मैं इसको मिटाल रहा हूं यहां पे, इसका आंसर कितना था 150, इसका आंसर कितना था 150, तो मैंने क्या लिखा 1 प्लस 150 माइनस 1, 150 प्लस 1 अपॉन 150। अच्छा 150 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 150, मतलब ये स्टेप आप यहां भी लगा सकते थे क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर एक ही होता है, 1 लिखेंगे तब भी चल जाएगा, आप डायरेक्ट 1 लगाएंगे तब भी चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि आप कंटिन्यू नेचर्स का सीख रहे हैं तो आप, पहले मैं कर देता हूं 150 स्क्वायर बाय 150, आंसर इज 150, आंसर इज 150, एग्री। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है ठीक है, लेकिन हमारे पास ये भी आइडेंटिटी है, हमको वन लिखने की, ये हमको वन स्क्वायर लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, वन स्क्वायर लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, वाला क्वेश्चन उठाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन करूंगा, कितनी आसानी से क्वेश्चन करूंगा, और आप बोलोगे कि हाँ सर रियली इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर अस। तो क्वेश्चन मैंने उतारा,
ये क्वेश्चन मैंने उतारा। अब तो कई बच्चों ने कर भी लिया होगा है, लेकिन मैं तो बैठ पूरा प्रोसेस अपना करूंगा। क्या एंड यूज कर रहा हूं, अगर मेरे पास a प्लस वन है, a माइनस वन है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, a माइनस वन, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा, वन प्लस किसका लिख सकता हूं इसको, माइनस वन। आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है, ठीक है, लिख सकता हूं। और फिर मैं इसकी समरी बताऊंगा आपको कि आपको क्या देखना था। अच्छा, अब वन प्लस सिक्स फाइव का स्क्वायर माइनस वन लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, हम कंपिटेटिव नेचर का है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये वन से वन कट गया, क्या आंसर आया, 87655 टाइम कितना लगा, हाँ यहां से यहां तक किसी ने टाइम नोट किया हो तो हो सकता है 15 सेकंड लगा होगा, थोड़ा बोलने में टाइम एक्स्ट्रा लगा होगा। तो बेटा देखा कितना जो भयंकर क्वेश्चन लग रहा था उन्होंने 15 सेकंड में किया, और ये आइडेंटिटी आपकी हर स्कूल की बुक में दे रखी है, हर स्कूल की बुक में दे रखी है, आप ये नहीं बोल सकते ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप टीचर से जब बोलोगे कि सर हमारा लेवल बढ़ाओ, तब टीचर ऐसा क्वेश्चन आपसे करवाएगा, उसको भी अपनी नौकरी प्यारी है। आप जाके बोल दोगे इस प्रकार समझ में नहीं आता, क्यों सर टफ लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। आप समझना चाहोगे तब टीचर क्वेश्चन डालेगा, जब सर से बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन लेके आओ जो हमारा दिमाग खोल दे, क्योंकि हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं आर वेरी इजी। तो ये उन बच्चों के लिए है, दोस हु रियली वांट टू इम्प्रूव देयर मैथमेटिक्स, एंड होप यू हैव एंजॉयड द क्वेश्चन, एंजॉयड द सेशन। अच्छा, इससे ही थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन और है एक, इसी से हम वो कल करेंगे, ठीक है, दैट क्वेश्चन वी विल डू टुमोरो। और आज के लिए इतना ही काफी है, आप इसको शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करेंगे तब मैं ऐसे ही क्वेश्चन और डालूंगा। टिल देन बाय बाय, ये क्वेश्चन एक है, इसको मैं कल करवाऊंगा, जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे फील कंफर्टेबल, होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा, फील कंफर्टेबल फॉर योर एग्जाम्स, आसानी से एग्जाम के लिए अच्छा सोचो आप। नाउ डोंट फॉरगेट टू वॉच क्वेश्चंस ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये नहीं है कि डेली आएगा, लेकिन इट मीन्स इट विल बी फ्रिक्वेंटली कमिंग टू यू, क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग कल लेके आएंगे। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, टिल देन बाय बाय।